हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज है डे 6 और हम फिर से हाजिर है लेके TCS NQT का एक और कोडिंग क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से समझते हैं। सिलेक्शन ऑफ MPSC एग्जाम इंक्लूड फिटनेस टेस्ट व्हिच कंडक्टेड ऑन रोड। देयर विल बी अ बैच ऑफ 3 ट्रेनीज अपेयरिंग फॉर रनिंग द टेस्ट इन ट्रैक फॉर 3 राउंड्स। यू नीड टू रिकॉर्ड द ऑक्सीजन लेवल आफ्टर एवरी राउंड। आफ्टर ट्रेनीज आर फिनिश्ड विद ऑल द राउंड, कैलकुलेट फॉर ईच ट्रेनी His average oxygen level over the 3 rounds and select one of them with the highest oxygen level as the most fit trainee. If more than one trainee attains the same highest average level, they all need to be selected. So guys, ये बहुत ही एक छोटा easy सा question होने वाला है। इस question में basically हमें 3 trainees को 3 round दौड़ाया जाता है and उनका oxygen level measure किया जाता है and उनके ऑक्सीजन लेवल के एवरेज के बेस पर हमें फाइंड करना है कि उनमें से फिटेस्ट ट्रेनी कौन सा है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर इनपुट्स देखें तो यहाँ पर टोटल 9 रिजल्ट्स रहने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 3 ट्रेनीज हैं और सब 3 राउंड दौड़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर तीनों ट्रेनीज का हर एक राउंड में एवरेज निकालना है एंड उस एवरेज के बेस पर हमें ग्रेटेस्ट एवरेज फाइंड करना है। एंड जिस ट्रेनी का ग्रेटेस्ट एवरेज ग्रेटेस्ट होगा उस ट्रेनी को हम डिक्लेयर कर देंगे एज द फिटेस्ट ट्रेनी। सो यहाँ पर अगर हम इन सब को लें, कॉपी करें एंड इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे चलते हैं नोटपैड पर, कॉपी पेस्ट। ये हमारे पास लेवल एंड ये होने वाला है हमारा ट्रेनी नंबर 1, ट्रेनी नंबर 2, ट्रेनी नंबर 3। सो मैं इसे ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही यहां से उठा के प्लेस कर देता हूं। ये ट्रेनी 2, तो यहाँ पर तीनों ट्रेनीज के ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं डिफाइन करता हूँ ट्रेनी 1, ये है आपका ट्रेनी 2 का ऑक्सीजन लेवल एंड ये है आपका ट्रेनी 3 का ऑक्सीजन लेवल। बस हमें यहाँ पर करना क्या है, इन तीनों का एवरेज निकालना है, इन तीनों का एवरेज निकालना है, इन तीनों का एवरेज निकालना है एंड इन तीनों के एवरेज के बाद जिसका भी एवरेज ग्रेटेस्ट होगा वो हमारा यहाँ पर आउटपुट होगा। सो इसके एवरेज की बात करें तो एवरेज देखते हैं। देखिए 95, 92 और 90, ओपन करते हैं कैलकुलेटर। सॉरी, ओपन करते हैं कैलकुलेटर। सो ये रहा कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट करते हैं एवरेज। 95 प्लस 92 प्लस 90, सो पहले वाले का होने वाला है 277, एवरेज निकालना है डिवाइड बाय 3, सो आ गया आपका 92.33। सो 92.33, सो इस क्वेश्चन में एक जगह ये भी लिखा गया है कि आपको हमेशा राउंड ऑफ लेना है, कि अगर आंसर आपका पॉइंट में आए तो आपको हमेशा राउंड ऑफ लेना है। सो अब करते हैं इसकी बात, तो 92 और 92 90 और 92, राइट, इसे करते हैं क्लियर। 92 90 प्लस 92 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 3, सो आप देख सकते हैं 91.3, दैट मींस आपका आ गया आंसर 91। एंड अब हम ट्रेनी नंबर 3 का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर है 95 92 90 95 92 90 एस ट्रेनी 1 का है, सो ये हो गया आपका 92। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे कम है ट्रेनी नंबर 2 का एंड आपका ट्रेनी नंबर 1 और ट्रेनी नंबर 3 का इक्वल है यानी कि 92। सो हमें दोनों को ही सेलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनी नंबर 1 फिटेस्ट है एंड ट्रेनी नंबर 3 आपका फिटेस्ट। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में आगे कुछ कंडीशंस और भी ऐड की गई हैं, इन कंडीशंस को भी पढ़ लेते हैं। सो द ऑक्सीजन वैल्यू एंटर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट इज नॉट इन द रेंज बिटवीन 1 to 100। तो अगर 1 to 100 के रेंज के बीच की ऑक्सीजन लेवल हम एंटर नहीं करते उस केस में आपको इनवैलिड इनपुट दिखाना है एंड
If the calculated maximum average oxygen value of the trainee is below 70, then declare the trainee as unfit with a meaningful message as all trainees are unfit. So basically, अगर average की value 70 से below रहती है, उस केस में आपको यहाँ पर दिखाना है कि trainee is unfit. So यहाँ पर अभी तो 92 है, अगर 70 से below हो तो आपको दिखाना है trainee is unfit. एंड फाइनल चीज, एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू शुड बी राउंडेड. तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब हमारी वैल्यू आई तो वैल्यू हमारी आ रही थी पॉइंट्स में, तो उसे पॉइंट में ना लेके हमें लेना है उसे एवरेज, यानी उसे राउंड ऑफ करना है. तो हमने यहाँ पर राउंड ऑफ किया एंड उसके बेस पे हमने ट्रेनी नंबर 1 और 3 को सेलेक्ट किया. आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड इसे किस तरीके से सॉल्व करना है ये चीज भी समझ में आ गई होगी. तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कोड की तरफ, कि यहाँ पर हमने कोड भी किया हुआ है. सो बेसिकली आप देख सकते हैं ये पूरा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है. इस कोड को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं एंड इस कोड में भी हमने सेम ही अप्रोच फॉलो की हुई है. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.